हेलो दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आपका अपना चैनल फाइंड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जो बच्चे शॉर्टहैंड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है, क्योंकि इसमें 80 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से मैटर बोला जाएगा और आने वाली वीडियो में भी 80 की स्पीड से मैटर बोला जाएगा। और इसमें जितनी भी आपकी शॉर्ट हैंड से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाएगा। आपको जिस स्पीड से मैटर चाहिए वो नीचे हमें कमेंट में ज़रूर लिखें और बताएं आपको कैसी वीडियो लगी। इस चैनल में ज्वाइन करने के लिए आपको इसको सब्सक्राइब करो, इसे लाइक करो और शेयर करो। सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसमें बेल वाला घंटा बजाओ, क्योंकि जल्दी से जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे वो आपको पहले सूचना मिल जाए। चलिए तो आप शुरू करते हैं। मैटर होगा 5 सेकंड में स्टार्ट। स्टार्ट। महोदय, आज की बहस के दौरान मैंने हाल की घटनाओं के प्रति जो चिंता देखी है उससे यह आशंका प्रकट होती है कि यदि पड़ोसी देश द्वारा भारत पर हमला किया गया तो हम उसका मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं होंगे। सीमा पर हाल में हुई घटनाओं की संख्या और खासकर एक बड़े मुल्क द्वारा दी जा रही सैनिक सहायता को देखते हुए निस्संदेह यह आशंका सही लगती है। यह बिल्कुल सही है कि एक बड़े देश से आने वाली सैनिक सहायता से आज भारत की सुरक्षा प्रभावित हुई है और इसलिए हमें इस बात को ध्यान में रखते हुए ही इस स्थिति पर विचार करना है। मुझसे पहले जो माननीय सदस्य बोले उन्होंने आधुनिकतम हथियारों और अच्छे से अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त करने के बारे में कहा। इसका सही मतलब क्या है? मैं सोचता हूँ कि युद्ध के उपकरणों में जितनी उन्नति हुई उतनी और कहीं नहीं हुई है। इसका नवीनतम और अंतिम उदाहरण परमाणु बम या हाइड्रोजन बम है। यही इस प्रक्रिया की चरम सीमा है। इसका मतलब है कि संसार की दो बड़ी ताकतों को छोड़कर और कोई देश पर्याप्त रूप से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उन्हीं दोनों के पास काफ़ी परमाणु बम हैं। तब किसी देश की समुचित सुरक्षा की जांच कैसे की जाए? पहला चीन। साफ है कि यदि कोई ऐसा देश जिसके पास परमाणु बम है भारत पर हमला करना चाहे तो सैनिक दृष्टि से हम बहुत कम सुरक्षित हैं। हो सकता है कि एटम बम के इस खतरे का सामना हम अन्य बातों से
कर सकें, क्योंकि जिस देश में जीवन शक्ति, ताकत और एकता है, जो देश आत्मसमर्पण नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो, उसे कभी हराया नहीं जा सकता। इसलिए मैंने प्राय कहा है कि एटम बम का असली जवाब अन्य क्षेत्रों में निहित है। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अंततः आपकी फौज या फौजी हथियारों का महत्व नहीं है, बल्कि लोगों की एकता की भावना का हर कठिनाई और जोखिम के होते हुए भी लोगों के जीवंत रहने की भावना का महत्व है। यदि मुझे भारत पर भरोसा है, तो यह भरोसा अन्य बातों के अलावा अपने लोगों की एकता और हिम्मत पर है। यदि यही कमज़ोर है, तो फिर चाहे कितने ही टैंक या हवाई जहाज झोंक दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। टेक्नोलॉजी में इतनी तेज़ी से तरक्की हुई है कि अगर दुर्भाग्य से भविष्य में कोई बड़ा युद्ध हो, तो शायद युद्ध कला के बारे में पहली लिखी गई हर एक किताब और पिछले युद्धों में इस्तेमाल किया गया हर एक हथियार पुराना लगेगा। इस नज़र से देखने पर संसार के केवल कुछ ही देशों को छोड़कर शेष सब देश और भारत में हम पूरी तरह पिछड़ गए हैं, और फिलहाल हमारे लिए किसी तरह का सहारा नहीं है। सुरक्षा के लिए किसी मुल्क की ताकत किस चीज में होती है? हर आदमी तुरंत सुरक्षा सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बारे में सोचता है। विराम स्टॉप।